मोक्ष किसको कहते हैं, मोक्ष का सुख कहाँ है और सुख की प्राप्ति हमारे को कहाँ मिलेगी। अभी बहुत एक छोटे से शब्द में, जिसको कहें गागर में सागर, अगर एक छोटी सी कटोरी हो, छोटा दीपक हो चाहे बड़ा दीपक हो, ये दीपक नहीं जो सामने बैठा वो दीपक, वो दीपक जो दीपक सबको रोशनी और प्रकाश देता है उसको दीपक कहते हैं। कलश कितना छोटा है कितना बड़ा है उसका महत्व नहीं है, उसको भी कहते हैं कलश, कहते हैं ना। अगर दीपक इतना बड़ा लगाओगे तो भी दीपक कहेंगे, ये छोटा सा दीपक लगाए तो भी दीपक कहेंगे, छोटे से कलश से भगवान का अभिषेक करोगे तो भी कलश कहलाएगा, और बड़ा कलश से अभिषेक करोगे तो भी कलश कहलाएगा। कलश में तो अंतर नहीं है, अंतर हमारे परिणामों की निर्मलता के अंदर है। मुंडे मुंडे मते भिन्ने, यहां जितने जने जो बैठे हुए हैं वो सबके मत और मूड अलग अलग हैं, सबके एक से नहीं हैं, लेकिन जिन्हें भगवान के जो वचनामृत है उनके मूड अलग नहीं है, उनका मत अलग नहीं है, उनकी वाणी अलग नहीं है। जिन्हें भगवान के वचनामृत तो सबको आपके अमृत के समान है, एक ही वचन है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन। अब परिवर्तन किसमें, परिवर्तन हमारे में है कि हम ग्रहण कैसे करते हैं। अभी कहा वंदे तद्गुण लब्धे, क्या बोला था, वंदे तद्गुण लब्धे, अनेक गुणों की प्राप्ति कब, जिनकी वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, जिन भगवान को हम मान रहे हैं, क्या गुणों की प्राप्ति हो जाएगी हमारे को, मैं नहीं मानता कि वंदना करने मात्र से उनके गुणों की प्राप्ति हो जाएगी। वंदना करने से कभी भी उनके गुणों की प्राप्ति नहीं होगी। आप 24 घंटे ही भगवान के मस्तक पे, भगवान के यहाँ मंदिर में मस्तक झुका करके बैठे रहो तो भी तुम्हारे को उनके गुणों की प्राप्ति होने वाली नहीं है। फिर कैसे कह दिया कि वंदे तदुन लब्धे, कि हम जिसकी वंदना कर रहे हैं उसके गुणों की प्राप्ति हमारे को हो जाएगी। क्या भाई दीपक हो सकती है क्या, आंखों से अंधे नाम नयन सुख और जन्म से दालिद्री नाम चैन सुख, जन्म जात व्यक्ति अंधा हो और उसको ये कह दिया जाए कि नयन सुख है, क्या उसके जीवन में नयन आंखों का सुख उसको मिलेगा क्या, उसको आंखों का सुख नहीं मिल सकता है, जन्म से दालिद्री है। और चैन सुख, चैन का अर्थ, सुख का अर्थ क्या, नहीं व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो वो चैन सुख कहलाता है। आंखों से अंधा है, दिखता नहीं है, बेसहारे चल रहा है, तो हम उसको नयन सुख इसलिए कहते हैं कि अंधा बोलेंगे तो उसके मन को दुख होगा, उसके मन को ठेस पहुंचेगी, उसे अंधा नहीं बोल करके उसको नयन सुख बोल दिया जाता है। और दालिद्री अगर आया उससे हमने कह दिया ये तो भिखारी है, तो उसके अपने कर्मों के दोष के कारण उसके मन में ठेस पहुंचेगी, उसे चैन सुख बोल दिया। शब्दा नाम अनेक अर्थ,
किसी भी शब्द को कहीं भी किसी भी रूप से समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो यहाँ बहुत कम शब्दों में कि वंदे तद्गुण लब्धे, अने भगवान तेरे जो गुण हैं वो गुणों की प्राप्ति मेरे में हो जाए। क्या हो जाए? तेरे गुण जो हैं वो गुणों की प्राप्ति मेरे में हो जाए। तो कर रहे हैं हम तेरी वंदना करें, तेरी स्तुति करें, तेरी भक्ति करें, तेरी आराधना कर रहे हैं, लेकिन इस भरोसे में मत रहना कि हम भगवान की वंदना करेंगे और उनके गुणों की प्राप्ति हो जाएगी। उनके गुरुओं की प्राप्ति के भरोसे आप मत रहना। उन्होंने उन गुरु को प्राप्त करने के लिए और हमें उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए उस गुण धर्म का जब तक पालन नहीं करेंगे, तब तक तुम्हारे को भगवान के गुणों की प्राप्ति होने वाली। चिंतन करो, मनन करो, विचार करो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा स्वरूप क्या है और मंदिर में आने का मेरा प्रयोजन क्या है। मंदिर में आ रहा हूँ भगवान, मेरा आने का प्रयोजन क्या है? पहले सबसे पहले हम मंदिर में जब आते हैं तो मंदिर में आने का हमारा प्रयोजन सिद्ध हमें पता पड़ना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति करने तो आए हैं, लेकिन भक्ति भी करते हो, स्तुति भी करते हो, दिख रहा है कितने लोग सभा के अंदर बैठे हैं, हम भी संतुष्ट हैं, तुम भी संतुष्ट हो, चलो महाराज जी आए, महाराज जी का प्रवचन सुन लिया, महाराज जी ने कहा चलो अपन आए, इतने लोगों ने हमारा प्रवचन सुन लिया, महाराज जी भी संतुष्ट हो गए। यही हुआ, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ, यही तो होगा। ये जो सुनने की आदत पड़ी है और सुनाने की जो आदत पड़ी है, इस आदत में सुधार लाना पड़ेगा। मैं कई बार बोलता हूं, प्रवचन, प्रवचन और आत्मा का वचन। तो प्रवचन की और प्रवचन की ये दो आदत बहुत खतरनाक है। पर के वचन सुनना है, प्रवचन सुनना है, लेकिन प्रवचन से और पर के वचन से नहीं, जो अंतरंग से जो वचन निकले हैं, जो आत्मा के जो वचन निकलते हैं, वही तुम्हारे आत्मा का कल्याण करने में कारक बन सकते हैं। प्रवचन देने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, आज मैंने ये बोला था, कल ये बोला था, परसों ये बोला था, सुबह ये बोला था, दोपहर को ये बोला था, शाम को ये बोला था, मुझे क्या बोलना है। वो प्रवचन है, प्रवचन है। आत्मा के अंदर परिणामों की निर्मलता के साथ में जब आचार्य भगवंत बोलते हैं तो अंदर में जो अनुभव करते हैं वो अनुभव की बात आपको बताते हैं। आपको कौन सा सुनना है? प्रवचन सुनना है क्या? प्रवचन सुनना है क्या? नहीं, हमें आत्मा के वचन सुनना है। और वो वचन कब आपके अंदर घुसेंगे? जब तक मन की एकाग्रता नहीं होगी और मन की एकाग्रता के साथ में जब तक हमारे जो श्रावक का धर्म है उस धर्म का पालन करना भी परम आवश्यक है। सच आवश्यक जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ हमने हमारी मर्यादा इतनी बना ली है कि दर्शन करना, पूजन करना, अभिषेक करना और ये हमारा धर्म हो गया। इसको आप धर्म बिल्कुल मत मानना। तो कल से मंदिर में आना ही बंद, और जब मंदिर में आना बंद हो जाएगा
तो व्यवस्थापक कहेंगे महाराज जी ने कौन सा धर्म का उपदेश दे दिया जिससे आज लोग मंदिर में भी आना नहीं। धर्म का उपदेश, धर्म की व्याख्या जब तक सुनते रहना और जब तक रहना सुनाते रहना, जब तक गुरुओं की बात हमारे हृदय में नहीं बैठ जाए और गुरु अपनी बात को तुम्हारे हृदय में नहीं बैठा दे। अभी बात बताई, एक लौकी और द्रोणाचार्य की बात बताई। किसकी बात बताई? एकलव्य और द्रोणाचार्य। मैं माता जी बोल रही थी, सोच रहा था कि द्रोणाचार्यों की कोई कमी नहीं है। आज पग पग पर जितने चाहो उतने द्रोणाचार्य मिल जाएंगे, लेकिन एकलव्य मिलना बड़ा कठिन है। द्रोणाचार्य तो 50-100 हजार जितने चाहो उतने इकट्ठे कर लो, लेकिन एकलव को ढूंढना बड़ा कठिन काम है। क्या कठिन है? एकलव्य को लाना, एकलव्य को बुलाना बड़ा दुर्लभ काम है, और द्रोणाचार्य को ढूंढना कोई कठिन काम है क्या? अभी हम, मैं भी द्रोणाचार्य बन गया, माता जी द्रोणाचार्य नहीं बन गई, और जितने आएंगे उतना द्रोणाचार्य बन जाएंगे। लेकिन एकलव्य को ढूंढना और एकलव्य बनना बड़ा कठिन काम है। कितने एकलव्य इसके अंदर बताओ? कितने द्रोणाचार्य गुरु आकर के यहां पे चले गए? कितने द्रोणाचार्य गुरु आकर के चले गए? लेकिन जितने गुरु द्रोणाचार्य आके गए उसमें से शायद ही कोई एकलव्य बन सकता है। बात तो थोड़ी सी कठिन लग रही होगी दीपक तुम्हारे को, हैं? अच्छा बताओ, आपको लग रहा है कोई समझ में आ रही बात? एकलव्य की और द्रोणाचार्य की जो बात है इसको हमारे जीवन में उतारना है। हमें द्रोणाचार्य नहीं, हम एकलव्य बनना है, और एकलव्य ऐसा बनना है देव सात गुरु जिन भगवान ने जो वचन कह दिया है बस वही अकाट है, इसके अलावा हमारा दूसरा कोई वचन। जिसका इतना श्रद्धान होगा वही वंदे तदगुण लब्धे, वही जिनेन्द्र भगवान के गुणों की प्राप्ति कर सकता है, और जिसमें ये गुण नहीं है तो कितने भी द्रोणाचार्य आ जाएं तो भी तुमको एकलव्य नहीं बना सकते। एकलव्य तो वही जिसने मिट्टी की मूर्ति बना करके उसी को अपना गुरु मान लिया, और उस मिट्टी की प्रेरणा से वो तीर चलाना सीख गया, और उसी भक्ति से उसने गुरु की एक आज्ञा के अंदर अपना अंगूठा भी काट करके गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। आज तुम्हारे को गुरु बार बार घोट करके बार बार कहते हैं तो भी ये तो महाराज आते हैं, इन सब महाराजों की आदत पड़ गई है, सब महाराजों की सो बोलने की कहने की, तो जो आता क्या बात करेगा, कौन सा उपदेश देगा? हिंदुस्तान में जितने 1500 साधु हैं, 1600, उन 1600 साधुओं में जितने भी साधु महाराज संत साधु हैं वो सभी धर्म का उपदेश देते हैं, धर्म की बात कहते हैं, मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए कहते हैं, और जो कुछ कहते हैं जो स्वयं ने प्राप्त किया है उसी में से आपको प्राप्त कराने के लिए, उसी में से आपको देने के लिए बात कहते हैं। नया कहाँ से लाएंगे?